नमस्कार दोस्तों, हम अजय मैकेनिक कानपुर से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आज बताएंगे कि बाइक किस तरीके से चलाते हैं, नए उम्र के बच्चे किस तरीके से चलाएं जिससे उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो और एक्सीडेंट के चांसेस भी नहीं हो और वो अच्छी तरीके से सीख सकें। तो उनको हम आज अपने ये छोटे भाई हैं, इनको हम चाहेंगे कि ये बाइक चलाना सीखें और हम थोड़ा सा ये पहले चला लेते हैं लेकिन फिर भी चाहेंगे किस तरीके से एक्सपर्ट होना है, किस तरीके से यानी इनका हाथ साफ हो तो किस तरीके से चलाना है हम इनको बताते हैं। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले चलाने से पहले हमको ध्यान देना है बाइक में कि हमको साइकिल चलानी ज़रूर आना चाहिए और हमारी उम्र जो होना चाहिए 18 साल के लगभग में। जो भी बाइक चलाना चाहे 18 साल की उम्र होना चाहिए और जब भी बाइक चलाना होता है तो एल का निशान यहाँ पर पीछे एल का निशान लगा लें और इसी तरीके से आगे भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ पर लगा लें एल का निशान कि जिससे कि मालूम पड़े कि लर्निंग यानी ये लर्निंग यानी नए है चलाने के लिए। और जब एल लिखा होता है तो दूसरे भी समझते हैं कि भाई ये लर्निंग है ये और अभी ये सीख है, तो उनसे थोड़ा दूर दूसरे लोग भी सतर्क रहते हैं क्योंकि वो उनको पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं रहते हैं एल का निशान लगे होने से। और दोस्तों, हमको जब भी चलाना हो तो हम पब्लिक प्लेस में ना चलाएं, जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो, पार्क हो, इस तरीके से जहाँ पर या खाली जगह हो वहाँ पर आराम से चलाएं कि जिससे कि किसी दूसरे को भी नुकसान ना करें और हम भी सेफ रहें। तो इस तरह खाली जगह पर चलाएं। दोस्तों, चलाने से पहले हमको क्या ध्यान रखना, देखिए अब इसमें ये बेसिक क्लच है और चलाने से पहले हमारे जो हाथ पर कंट्रोल होना चाहिए कि हमको आदत बनाना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। एक्सीलेटर धीरे से लेना है, धीरे धीरे, एक बार की नहीं लेना, और धीरे धीरे जैसे क्लच पकड़े हैं तो धीरे से इसको छोड़ना भी। जैसे एक्सीलेटर हल्का ले रहे हैं तो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे ले रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो इस तरीके से आगे गाड़ी बढ़ती है। और पहले तो आपको इसी तरह का करना कि पहले गियर में थोड़ा सा चलाएं, फिर दूसरे गियर में चलाएं, फिर तीसरे गियर में चलाएं, और जब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं और जब पब्लिक प्लेस से में चलाते हैं तो हमको हेलमेट ज़रूर लगाना है। और पब्लिक प्लेस में नहीं चलाते हैं तो थोड़ा सा हेलमेट से क्या होता, कभी कभी दिक्कत होती है, तो इसलिए अगर आपकी सेफ्टी लगती है तो हेलमेट लगा लें। अगर आपको लगता है कि हम सेफ नहीं हैं तो हेलमेट लगा के ज़रूर चलाएं, चलाना सीखें। और जब लगता है कि हम सेफ हैं तो हमें दिक्कत होगी हेलमेट लगाने से तो फिर बिना हेलमेट के चला सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों सीखें। अब दोस्तों देखिए, हम पहले जैसे ये बाइक है तो हम बता रहे हैं आपको कि एक्सीलेटर धीरे धीरे लें और धीरे धीरे क्लच को छोड़ें और एक आदत बना लें कि हमको ब्रेक को भी यानी ब्रेक पर भी कंट्रोल करना है कि जैसे धीरे से एक्सीलेटर लिया, धीरे से गियर डाला हमने और गियर जैसे डाला और धीरे धीरे क्लच छोड़ा तो हल्का हल्का एक्सीलेटर ले रहे हैं। और ब्रेक की भी आदत बना लें स्टार्ट करने से पहले, ये आदत बना लें कि एक्सीलेटर लेना है, क्लच छोड़ना है और गियर लगाया और ब्रेक को भी प्रयास, यानी हमको पहले आदत बनाना है। जब आदत बन जाएगी तो हम उससे सतर्क रहेंगे और हमारे एक्सीडेंट के चांसेस नहीं। और दोस्तों पहले अब देखिए, ये इधर ये इंडिकेटर लाइट होती है ये, और ये लेफ्ट राइट इंडिकेटर हो गया, ये हेडलाइट होता है। जब भी हमको पब्लिक प्लेस पे चलाना तो हेडलाइट जला के तब हम गाड़ी चलाएं, तब हम ठीक रहेगा क्योंकि दूसरा आने वाला सतर्क रहेगा। और ये हॉर्न, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यानी हमको फिसल के चलाना है। अब हम भाई से बोलेंगे कि मेरे भाई आइए, अब थोड़ा सा हम तुमको बताना चाहेंगे जैसे हमने बताया तुमको इस तरीके से यानी चलाओगे तो बेहतर तरीके से चला पाओ, क्योंकि ये पहले से थोड़ा बहुत चला लेते हैं समझो, फिर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा चलाएं। बैठिए, दोस्तों देखिए किस तरीके से ये बाइक को चलाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये चला रहे हैं। अब दोस्तों इस तरीके से यानी आपको नहीं करना है, आपको हमने बताया ना कि आप एक्सीलेटर धीरे धीरे लीजिए और जैसे ये नए हैं तो ये कैसे कर रहे हैं, तो इस तरीके दोस्तों नहीं, अब ये बार बार ऐसे कर रहे हैं दोस्तों, तो इस पर आपको विशेष करके ध्यान देना है कि एक्सीलेटर धीरे धीरे लेना है, उसी तरीके क्लच धीरे धीरे छोड़ना, तब तो ये चला पाएंगे। दोस्तों ये नए हैं इसलिए आप लोग भी इसी तरीके से चलाते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो दोस्तों आपको विशेष करके ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि बाइक में जब भी चलाते हैं तो आपको धीरे से एक्सीलेटर लें और धीरे धीरे क्लच को छोड़ें, और जब थोड़ा सा 10 की स्पीड आ जाए तो फिर आप दूसरा गियर भी लगा लें। दोस्तों इस तरीके से ये जैसे चला रहे हैं तो दूसरा गियर भी लगाते हैं,
तीसरा भी लगाते हैं इस तरीके से, अब दोस्तों ये फिर से देखिए, फिर से ये चला नहीं पा रहे पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों ये आप लोग भी इसी तरीके से करते हैं तो क्या होता है कि हमको जब भी उठाना हो पहले गियर में उठाएं। अब इसको पहले गियर में अगर उठाते हैं तो धीरे धीरे देखें इस तरीके से ये चलाएँगे, बार बार ये ऐसा होता है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान देना है कि क्लच धीरे से क्लच छोड़ें और धीरे से एक्सीलेटर लें। जब नए होते हैं बिल्कुल तो इस तरीके से दोस्तों चलाने में ऐसे दिक्कतें होती हैं, लेकिन इसी दिक्कत को हमको धीरे धीरे करके सुधार करना है। जब हमारी गाड़ी 10 की स्पीड में चलने लगे तो उसको दूसरा गियर लगा लें, लेकिन एक्सीलेटर हम बिल्कुल कम ना करें। और जब भी गाड़ी उठाना हो तो पहले गियर में ही उठाएँ। अगर आप दूसरे में उठाते हैं तो इंजन का राउंड यानी कम हो जाता है और पहिए का राउंड ज़्यादा होता है तो उसमें भी बंद होने के चांसेस होता है। इसलिए आपको दोस्तों विशेष करके ध्यान देना है कि आप जब भी चलाएं तो इसी तरीके से चलाना सीखें।